हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 से देखिए, ये छोटे वीडियो के माध्यम से ही हम लोग अपना पूरा खत्म कर लेंगे सिलेबस। इसमें आपको मौलिक कर्तव्य से जो भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने कर लिया, और इसमें आपको लगभग 17 से 18 क्वेश्चन है वन लीनियर के माध्यम से, और 5 से 6 मिनट में आप सारा ही खत्म कर लेंगे। एक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, और जल्दी से इसे देख लीजिएगा और इसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो किस देश के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य शामिल करने का विचार, ठीक है, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर बोला जाता है। अब ये टूट कर विघटन हो चुका है, पूर्व सोवियत संघ रसिया हो चुका है। सबसे बड़ा देश इसमें सभी बचा हुआ है रसिया, ठीक। तो ऐसे याद रखिएगा, जो संविधान बना था उस समय में हम लोग के संविधान में ये मौलिक कर्तव्य का कोई भी ऐसा पाठ नहीं था। ये बेलिश्वे संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये कौन सिफारिश किया था जोड़ने के लिए, मूल जो कर्तव्य है इसे जोड़ने के लिए कौन समिति ने सिफारिश किया था? तो सरदार सोणसी समिति ने सिफारिश किया था। सरदार सोणसी समिति ने सिफारिश किया था, याद रखिएगा। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया में इसकी जोड़ा गया मूल कर्तव्य को? तो ये 1976 में। 1976 का कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1976 जो आप जानते हैं 1975 से 1977 में तृतीय आपातकाल लागू था, और उसी समय बेलिश्वे संविधान संशोधन और बहुत से संविधान संशोधन कर संविधान में बदलाव किए गए थे, ठीक। तो इस समय जो किए गए थे ये बेलिश्वे संविधान संशोधन किए गए थे 1976 में, और इसे संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे, हटाए गए थे, इसलिए ये बेलिश्वे संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, छोटा संविधान भी बोला जाता है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, जो मौलिक कर्तव्य है उसे निर्धारित किया गया है तब, तो बेलिश्वे संविधान संशोधन द्वारा, बेलिश्वे संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा 1976 बेलिश्वे संविधान संशोधन। बेलिश्वे संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? जो 10 आचार आदर्श जोड़े गए थे उस समय 10 ही जोड़े गए थे, ठीक, याद रखिएगा। अभी 11 हो गए हैं, उस समय 10 जोड़े गए थे। ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाने गए, मौलिक कर्तव्य के, फंडामेंटल ड्यूटी के, ठीक। सभी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा। एग्जाम में कभी भी सेट लगाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप आराम से कर लीजिएगा। 1976 में बेलिश्वे संविधान संशोधन संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए थे? तो कितने मौलिक कर्तव्य उस समय निश्चित किए थे? तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए थे। एक बात समझ लीजिए, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान शुरू से था, जब संविधान बना था उस समय से था, लेकिन मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक। तो 10 उस समय जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को समुचित 1976 में किया गया, ये तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को अध्याय जोड़ा गया? जो मूल कर्तव्य का फंडामेंटल ड्यूटीज का जो अध्याय जोड़ा गया है ये किस भाग में जोड़ा है? तो भाग 4 क में। अगर हिंदी में दें तो क कहिएगा, क ख ग, इसकी क होता है। अगर इंग्लिश में इसकी लिखना हो तो 4A लिखिएगा, ठीक। इसमें 11 अभी मौलिक कर्तव्य, उसमें 10 थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, ध्यान से देखिए, किस भाग में नहीं है? तो भाग 4 में जोड़ी गई थी, 4A बनाकर, ठीक, और आर्टिकल 51 के ए में। तो यहाँ ए की जगह क भी हो सकता है, 51 की जगह भी क हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, ये आपको बताना है। तो ये 51 के ए में की गई है, 51 के ए में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक, ए कहिए या क कहिए, 51 का। क्वेश्चन नंबर 11 के वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये कुछ सभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया, और 22वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने के प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने के प्रयोजन है, ये पूछ रहा है। तो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कर्तव्य भी दिया गया नागरिकों के प्रति, को कर्तव्य अपना करे और विनाशक असंवैधानिक गतिविधियों में भाग ना ले, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ये सभी नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, अगर मौलिक कर्तव्य कोई अवहेलना करता है या वो नहीं करता है फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 दिए हैं, तो उसे दंड देने की व्यवस्था नहीं है, उसे कोई दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये नहीं कि लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल, मीन्स की कोर्ट द्वारा है। जैसे कि फंडामेंटल राइट अगर आपका उल्लंघन होता है, मीन्स की मौलिक अधिकार, आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय या आर्टिकल 326 के तहत उच्च न्यायालय उसे लागू करवाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए, जो मुख्य
11 मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि मिली जुली संस्कृति और विरासत का ये करना, अपने जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके प्रति भाव बनाए रखना, ये सब बहुत से ऐसे हैं। तो लेकिन इसमें से मुख्य जो है क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मिली जुली संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित और महत्व प्रदान करना, वैज्ञानिक भावना को आगे बढ़ाना, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है, तो किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो ये 51 के क में है, 11 मूल कर्तव्य। ठीक, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता था मैं आपको करा दिया, जहाँ से बन सकता था, जैसे सोर्सी समिति किस समिति ने, तो यह बन सकता था। यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारे संविधान के भाग 1 में है उसमें राज्यों के संघ के बारे में, राज्य और उनके संघ के बारे में बताया हुआ है। जो 2 है भाग संविधान के, इसमें फंडामेंटल नहीं, इसमें आपको सिटीजनशिप के बारे में, इसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। और आपका जो तृतीय भाग है ना संविधान में, इसमें आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। और आपका जो चतुर्थ भाग है इसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नेतृत्व तत्व बोले जाते हैं, उसको बताया गया है। और आपका लास्ट एक क्या हुआ, 4A, इसमें मौलिक कर्तव्य बताया हुआ है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो ऐसे ही लाते रहो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपका संविधान खत्म कर दूंगा 20 से 25 वीडियो में, और बहुत जल्द ही इसी महीने में सारा आपका खत्म हो जाएगा, और ऐसे ही इतिहास भी। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।